अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को इस वाले कवर की आर्मोर केस की रिव्यू दूंगा। और अभी आज ही मैंने इसको मंगवाया है दराज से, और ये मुझे पड़ा है 450 रुपये का। और यकीन जाने 450 रुपये में बहुत ही बेस्ट कवर है। इस कवर की मैं रिव्यू दूंगा, लेकिन साथ साथ मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बताता चलूँ। ये केस दराज पे बहुत इन है, ऑनलाइन बहुत इन है, लेकिन ये कवर एक नंबर का स्कैमर कवर आप इसको कह सकते हो। दिखने में आपको ऐसा खूबसूरत लग रहा है, और इसकी हालत जब आप इसको चलाओगे मुश्किल से सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते तो इसकी शक्ल बदल जाएगी। और वो क्या होगा ये अगली वीडियो में इसी मुताबिक पोस्ट करूंगा। फिलहाल तो मैं इस कवर की अनबॉक्सिंग के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे इसकी और ये प्रो रिकॉर्डिंग अभी मैं बंद करूँगा तो फ़ौरन मैं इसका रिव्यू दूंगा कि इस ये स्कैमर कवर क्यों है। क्योंकि अभी मैंने इसका व्हाइट कलर मंगवाया, कुछ टाइम पहले मैंने इसका ब्लैक कलर भी मंगवाया था, उसकी हालत ये हो चुकी है। तो ये क्यों हो, ये इसकी हालत ऐसी है, बिल्कुल इसकी शक्ल क्यों हो चेंज हो गई है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इसको मैं साइड कर देता हूँ, अब हम बात करते हैं इस कवर की। ये मुझे पड़ा है 450 रुपये का। और यकीन जानो इससे पहले मैं एक फ़ोन यूज़ करता था, हवावे Y9 Prime, ठीक है, हवावे Y9 Prime पॉपअप सेल्फी कैमरा, जो कि हमें पॉपअप का यहाँ पे वो होता था ऑप्शन, फ्रंट कोई कैमरा नहीं था उस पर। तकरीबन मैंने 1 साल यूज़ करा, और 1 साल में सिर्फ और सिर्फ वो कवर ख़राब यूँ हुआ था क्योंकि मुझसे बहुत ज़ोर से गिर गया था और उसका प्लास्टिक जो था यहाँ से टूट गया था। लेकिन इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, आपको आवाज़ आ रही होगी। ये तो मैंने इसको प्रेस करके बाहर निकाल दिया, ठीक है, यहाँ पे मार लेता हूँ और आप देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा मोड़ भी दूँ, ये देखिए। अच्छा आपको मैं बता दूँ, ये ऊपर वाला जो ब्लू ब्लू है ये प्लास्टिक, और प्लास्टिक ऐसा है कि इसका कलर नहीं उतरेगा। जो कलर है प्लास्टिक का जेन्युइन कलर है। इस बात से आप मेरी बात पे आप 100% आप लो कवर कलर उतरे तो फिर आप मुझे कमेंट में बताना कि भाई ये लो, ये तो आप इसकी क्वालिटी में आपको चेक करा रहा हूँ। अब ये इतना मुड़ के चला, अगर ये प्लास्टिक का बना हुआ क्यों मोटा है मैं आपको बताता हूँ। इसका जो अंदर का जो ये सिस्टम है जिसपे ब्लैक ना ब्लू कलर का सिस्टम अटका हुआ, वो है रबड़ का। ये देखो आप, ये रबड़ है, सही है, ये ब्लैक अंदर का जो इसका जो मेन जो है ना ढांचा जो है इसका, वो ब्लैक कलर का ये है रबड़ का। और बाकी जो बैक से आपको जो ब्लू ब्लू दिखेगा ये सारा प्लास्टिक का बना हुआ है। और ये पीछे ब्लैक जो किक स्टैंड है ये भी प्लास्टिक का है। ये किस तरीके से वर्क करता है इसका किक स्टैंड, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए आप, छोटा सा आपको यहाँ पे एक सुराख दिख रहा होगा, यहाँ पे आपने इस तरीके से अपना क्या नाम है इसका अंगूठा यूँ करिए, आपने उसी दिन आप पॉप करेंगे इस तरीके से उड़ जाएगा। और आपने इस वाली पीछे एलियन जो है रॉड को, जो भी इसको आप बोलो, एक मरतबा यूँ करके प्रेस करोगे ना तो जब आवाज़ आ जाए ना तो यानी कि ये होने पे जाके बिल्कुल एडजस्ट हो गई, यानी कि अब ये खुद ब खुद अंदर में ही होगी। यूँ ही आप फ़ोन रखेंगे और आप अपने आराम से कोई भी आप मैच देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो, सीरीज़ देख रहे हो, बिल्कुल मज़े आप ले सकते हो। और दिख लगने की आवाज़ मोबाइल में बहुत ही अच्छा लुक देता है, बिल्कुल ही अवेंजर्स टाइप का आप इसको कह सकते हो। गेमिंग फ़ोन के लिए भी अभी बहुत बेस्ट रहेगा, लेकिन क्वालिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। और ये हवाई Y9 पर जब मैंने इसको यूज़ करा था, तकरीबन भी 1 साल मैंने इसको यूज़ करा था, क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट है। चल मतलब आप इसको 6 महीने भी चलाओगे तो वैसा ही लुक देगा जैसा आपने ब्रांड न्यू लिया था। हाँ थोड़ा सा जैसी बात है, अगर आप इसको बहुत ही मट्टी में रखोगे या फिर नीचे काफ़ी सारे डस्ट है और डस्ट पर आपने यूँ रख दिया मोबाइल को, घसीट रहे हो, तो फिर जाहिर सी बात है निशान तो आते हैं, गोरिल्ला ग्लास पे आ जाते हैं, तो फिर हालांकि ये तो कवर है। तो आपको इसके मुताबिक कुछ भी मुझसे पूछना हो, अगर आपको ये परचेज़ करना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको जिसको चाहिए होगा उसको कमेंट के रिप्लाई में दे दूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में इसके रो जो भी हो रहे होंगे उसको एक्सपोज करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।